जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक भारती सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर, सातवें चरण नोटिफिकेशन की तिथि जारी करने के संबंध में बड़ी खबर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लगातार प्रयास को देखते हुए जल्द ही अच्छी खबर विज्ञापन की तिथि जारी की संभावना निकलकर सामने आ रही है। तो खबर के मुताबिक, आज की खबर के मुताबिक यही संभावना है कि सातवें चरण का नोटिफिकेशन की तिथि जारी हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कब जारी होगा नोटिफिकेशन। तो ये बातें ऑफिशियल रूप से देखने को मिल सकते हैं, यह उम्मीद की जा रही है, संभावना जाहिर की जा रही है, जैसा कि खबर है। अब आगे बात कर लेते हैं, ऐसे में जो सीटेट बीटेट के लिए तो आप लोग जानते ही हैं जो अच्छी खबर है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो बिहार एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी हैं, तो विज्ञापन कब जारी होगा सातवें चरण का इन सभी अभ्यर्थियों के लिए, 2019 एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे में पहले भी बातें किए हैं, आप लोग यह देख रहे होंगे, अगस्त के अंत में जारी होने की पूरी संभावना है। और इसके लिए हो सकता है कि तिथि पहले भी जारी किया जा सकता है और तिथि बताया जा सकता है, जो कि संभावित तिथि के तौर पर, कि इस महीने में और इस तिथि के आसपास विज्ञापन जारी हो सकता है, ऑफिशियल रूप से बताया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी तिथि बताया जाता है या फिर जो हो। तो सातवें चरण का जब बातें हो रही है, तो सीटेट बीटेट जो प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं, क्लास वन से एट के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए भी जब तिथि की बातें हो रही है, तो इधर एसटीएट के लिए भी, एसटीएट 2019 के लिए भी जारी हो जाए तिथि, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आप लोग अनुमान वैसे भी लगा सकते हैं, 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों को जो आवेदन करने का मौका मिला और जिसके कारण 3 महीने प्रक्रिया में देरी हुई है और इस तरह से जुलाई के लास्ट में प्रक्रिया समाप्त होगी। और इस बीच उसके बाद शिक्षा मंत्री जैसे स्पष्ट करते हैं, फ्रेश रोस्टर की बातें होती हैं, रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा की जाती हैं और साथ साथ रिक्तियों का आंकलन होगा, रिकैलकुलेट होंगे, तो ये सभी जानकारी शिक्षा मंत्री जी बराबर दे रहे हैं। तो इस अनुसार से आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे, सातवां चरण शुरू हो जाएंगे, तो इस बीच में ये सभी होने हैं, रिक्तियों का आंकलन और रोस्टर क्लियरेंस, फ्रेश रोस्टर। तो इसीलिए अंत तक, अगस्त के अंत तक आप लोग उम्मीद बनाकर रखें सातवें चरण का, जो भी बिहार एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे में जो नए अपर मुख्य सचिव जी क्या बोले हैं पिछले दिनों की खबर के अनुसार, और सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों जिसमें रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है, 26,000 सोशल साइंस विषय में और 17,000 से अधिक इधर हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। तो इस अनुसार से रिक्तियों की संख्या का बढ़ना विद्यालयों की संख्या के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार और पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन जो पूर्व अपर मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट की जाती थी, तो उस अनुसार से और भी पद आए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, कंप्यूटर साइंस विषय में भी और सोशल साइंस विषय में सभी पद जो सृजित स्वीकृत हैं सभी जुड़ जाएँ, तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। अब आगे देख लीजिए, आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, तो ये देख सकते हैं आप लोग पिछले वीडियो में बातें किए हैं नए अपर मुख्य सचिव जी के बारे में, जिनका पहले ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अपर मुख्य सचिव जी थे और इनका ट्रांसफर हुआ है शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव जी के रूप में। अब आगे देख लीजिए आप लोग, और इनका कहना है कि पहले जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं तो उनको गतिशील रखेंगे और हो सकता है तो और भी तेज़ गति से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी जानकारी अपर मुख्य सचिव जी द्वारा दी गई हैं, नए अपर मुख्य सचिव जी द्वारा जो प्राइमरी माध्यमिक जो शिक्षक विशेष योगदान दे सकें, जो अभी काम कर रहे हैं। अब आगे देख लीजिए, प्रशिक्षण इत्यादि का विशेष पहल, मनोरंजन टिप्स।